फोन पर अब कोई और ही बात बोल रहा था। सर मैंने आपने बोला था 5 मिनट बाद कॉल कर लो। भाई तो ATM भी हेल्पलाइन पे फोन लगाता भाई। मैंने 6 रुपए जायद वसूल किए और 2 साबुन खरीदे जिनकी कीमत पैकिंग पर फीकस 32 रुपए मुकर्रर थी। अमला करप्शन कर रहा है जिसका अलाव काम फौरी नोटिस ले। ननकाना साहब में यूटिलिटी स्टोर पर करप्शन का बाजार गरम। ननकाना साहब यूटिलिटी स्टोर का अमला सरकारी रेट से जायद रकम वसूल करने में मसरूफ। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर जो के नादरा ऑफिस ननकाना के बिल्कुल करीब चर्च रोड पर वाकया है, वहां पर मौजूद अमला ने हकूमत की जानिब से मुकर्रा करदा रेट से जायद रकम वसूल करना शुरू कर दी। जब आवामी शिकायत पर हुसैनी न्यूज वहां पहुंची और 2 साबुन खरीदे जिनकी कीमत पैकिंग पर फीकस 32 रुपए मुकर्रर थी, मगर अमला ने 6 रुपए जायद वसूल किए। जब अमला से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जायद रकम हम सरकारी खजाने में जमा करवा रहे हैं, हमें ऊपर से सख्त आर्डर है, और कहा कि आप हमारी शिकायत सामने लिखे हुए नंबर पर दर्ज करवा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बोर्ड पर नंबर लिखे थे, जब उस नंबर पर हुसैनी टीम ने रابطہ किया, 3 नंबर बोर्ड पर लिखे थे, उनमें से 2 बंद थे, तो 1 नंबर से साहब किसी साहब ने फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, क्या हाल है? ठीक हो? जी ठीक है सर। जिला ननकाना साहब से बात कर रहा हूँ, एक शहरी। तो इधर यूटिलिटी स्टोर से आपका नंबर मिला है शिकायत के लिए। जी। तो सर अर्ज ये है हमारी, जो रेट एशिया पे लिखे गए ना रेट, उनसे ज्यादा रेट इजाफी चार्जेस जो कि यहाँ से वसूल किए जा रहे हैं, तो हमने जाकर बात की है उधर एक नुमाइंदे से, वर्कर से, जो काउंटर पर बैठा है मौलवी साहब, वो कह रहे हैं कि ये पीछे से है, हमारा कोई गुनाह नहीं, ये नंबर लिखे हैं, आप इन पे कॉल करो, इनसे बोलो। ठीक है, तो सर जो रेट हमें 3 नंबर दिए गए, 2 तो वैसे ही बंद है, वो चल ही नहीं रहे, ये 3रा नंबर आपको मिला है, तो 32 रुपए रेट है, वो 3600 रुपए लगा रहे हैं, तो मतलब 4-5 की किसी चीज के पीछे 9 रुपए इजाफी लिए जा रहे हैं, इसके पीछे 12 रुपए 13 रुपए इजाफी लिए जा रहे हैं। अगर इधर से हमें प्राइवेट दुकान वाला रेट मिलेगा तो हमें यूटिलिटी स्टोर का क्या फायदा, हम आवाम को क्या देंगे? मेहरबानी मुझे थोड़ा सा गाइड कर। जी मैं देखता हूँ सर। मैं आप मुझे, मैं दोबारा आपको कॉल करूँ, आप मुझे क्या मतलब के आंसर देना पसंद करेंगे इसमें? आप मुझे 5 मिनट बाद कॉल करें। जिनको हम सारे मामले से आगाह करते हैं, और फोन सुनने वाले ऑफिसर ने पहले कहा हम आपकी शिकायत का नोटिस लेंगे, आप 5 मिनट बाद दोबारा रابطہ करें। जब 5 मिनट बाद दोबारा रابطہ किया, हेलो सलाम अलैकुम। जी सर जी, जी अभी सर मैंने आपने बोला था 5 मिनट बाद कॉल कर। और भाई तो ATM भी हेल्पलाइन पे फोन मिलाता भाई। जनाब इसी नंबर पर मैंने यूटिलिटी स्टोर की आपको शिकायत दर्ज करवाई थी, अब दूसरी मरतबा आपने बोला था कि मुझे 5 मिनट बाद कॉल करें। बैंक की तेरी मेहरबानी है। कौन सा बैंक है, नाम बता दे मुझे। उसी ऑफिसर ने कहा ये तो किसी अल्फला बैंक का नंबर है, आपने तो गलत नंबर डायल कर दिया। फिर हमने नंबर चेक किया और 3री मरतबा कॉल की, मगर फोन पर अब कोई और ही बात बोल रहा था। भाई जान आपको बताया गया है ये नंबर यूटिलिटी स्टोर शिकायत ऑफिसर का नहीं है, बल्कि अल्फला बैंक के ATM का है। इस अमला से ये बात साबित होती है कि यूटिलिटी स्टोर के अफसरान के नरम रवैये की वजह से अमला करप्शन कर रहा है, जिसका अलाव काम फौरी नोटिस ले।